जैसा कि आजकल सभी को पता है कि कोरोना का बहुत ही ज़्यादा भय लोगों में व्याप्त है, और इस समय जो है सरकार ने स्कूल खोलने का जो आदेश दिया है, तो इसके साथ ही ये भी पता लग रहा है कि स्कूलों में जब से स्टूडेंट्स आने लगे हैं तो कोरोना का प्रसार ज़्यादा होने लगा है, लोगों में ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए जाने लगे हैं। और अभी बिहार सरकार की तरफ से एक सर्कुलर भी आया था जिसमें हर विद्यालय में छात्रों का टेस्ट कराया जाए, तो उसी क्रम में सिवान के पहला ये स्कूल है जहाँ पर आज कोरोना कैंप का आयोजन करवाया गया है, जिसमें अभी तक जितने भी छात्रों का यहाँ पर टेस्ट हुआ है कोरोना COVID-19 के लिए, तो उसमें सभी निगेटिव पाए गए हैं, और छात्र शिक्षक और जितने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं कोई भी अभी तक यहाँ पर पॉजिटिव नहीं पाया गया है। ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, और इसको हमेशा इसी प्रकार से उम्मीद की जाती है कि अगर सरकारी अस्पतालों का सहयोग रहा तो हर महीने में कम से कम एक बार अपने यहाँ कैंप लगवा करके इसकी जांच की जाती रहे, जिससे कि छात्रों में ये ना फैले और शिक्षा के क्षेत्र में जो फिर से स्कूल खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं ये सफल हो सके। कितने छात्र कर्मचारियों का टोटल यहाँ पे कोरोना जांच हुआ? यहाँ कुल मिलाकर अभी आज तो करीब 70 लोगों का यहाँ पर जांच किया गया है, और बाकी 70 लगभग कल लोग किया जाएगा, क्योंकि इनकी एक स्वास्थ्य विभाग की एक लिमिट होती है कि एक दिन में केवल इतने टेस्ट ही करते हैं, और यहाँ से जो भी जांच ली गई है, सैंपल लिया गया है, उसको पटना भेजा जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद कंफर्मेशन। अभी तक तो खैर जो एंटीजन टेस्ट हुआ है प्रारंभ में जो यहाँ पर तुरंत पता लग जाता है उसमें सभी निगेटिव हैं, और 40 लोगों को वहाँ पटना में भी भेजा जाएगा सैंपल, तो जिससे कंफर्मेशन हो जाएगा कि कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं पाया गया। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीश अग्निहोत्री है, DVM पब्लिक स्कूल का, और मेरे प्रयास रहता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी अच्छी शिक्षा मिल सके, और उसके साथ में अभी पिछले माह में हम लोगों ने यहाँ पर यातायात सप्ताह का आयोजन भी किया था, जिससे यातायात के नियमों के बारे में जानकारी मिल सके। उसी क्रम में आज ये दूसरा कैंप लगाया गया है, और आगे भी इसी प्रकार के कैंप जो कि बच्चों के भविष्य के लिए और उनके शिक्षा से संबंधित होंगे वो यहाँ पर